और काफी तादाद में पब्लिक आई, आपने देखा सड़कों पे जाम लगा हुआ है, तो आपको अंदाजा लगा सकते कि लोगों की मोहब्बत कितनी है। पहले ही का हमारे मैनिफेस्टो में है कि स्टूडेंट फैक्टर्स के केस को रिमूव करना, जवानों को वापस जेल से निकालना। अगर इलेक्शन नहीं क्लियर हुआ होता, वो हमने वैसे भी 800 लड़कों का साउथ कश्मीर का लिस्ट जो है MHA को फॉरवर्ड किया, तो वो उस वक्त देखा जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन की शुरुआत है और हमारा किसी से कोई भी, हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, हमारी किसी से कोई कनेक्शन। सर जहां 370 भी कहा उन्होंने कि 370 भी वापस आएंगे, खुदा के लिए आप मुझे एक बात बताइए, एक मेरा सवाल है आप लोगों से, आपकी जो अक्सरियत है पार्लियामेंट में वो -2 भी नहीं है, वो आपका फ्री पावर देगा कौन? आप NDA में नहीं है, सरकार में नहीं है, आपकी गवर्नमेंट नहीं है, अगर आपकी सरकार भी बनती है आपका CM पावर लेस है, ही कैन नॉट ट्रांसफर ए कैंडिडेट ए कॉन्स्टेबल। तो ये हवा की बातें जो करना, JDU बात भी करे तो हम लोग सरकार में है, और मैं वादा करता हूँ अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है और हमारी सरकार बनती है, आपका स्टेट भी वापस आएगा और पावर भी दे देंगे, और उसके बाद ऐसा ऐसा मौलवी आजम भी आ चुका है, बाकी भी आ रहे हैं, नया इंकलाब होगा, नई टीम होगी। सर जमात इस्लामी आप मैदान में आ रहे हैं, 10 सीटों पे लड़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? मैंने उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखे, वो जब चाहे मैंडेट ले सकते हैं। सर अभी 2 महीने भी सरकार बने हुए नहीं हुए, और 2 महीने के अंदर जो जो भी काम मेरे से उठ पाया था जम्मू कश्मीर के लेवल पे, चाहे टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स को लेकर या गुलमर्ग में जो मामला खराब है, जो गन वहाँ पर उन्होंने टूल पोस्ट बंद किया है, हम बिल्कुल वो कर रहे हैं। लेकिन बदनसीबी की इलेक्शन बीच में आया, ठीक है वक्ती तौर पाबंदी है, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर हमारी कोशिश रहेगी पाबंदी उठाएंगे।